दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर एक लेटेस्ट मुद्दे पर आपसे बात करने वाले हैं। आज यह व्हाइट बोर्ड पर बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। देखिए लिखा गया है, अगर आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, अगर देखा जाए, अगर आपने बीएड बीटीसी किया हुआ है या डीएलएड किया हुआ है तो आपके लिए यह लेटेस्ट वीडियो साबित होगा। नीचे यहां आप देख पा रहे हैं, नोट करके हमने लिखा है कि यूपी टीईटी यूपी पुलिस की कक्षाएं 1 जून से प्रारंभ होगी। देखिए हमने आपसे वादा किया था कि आपकी जो भी कक्षाएं यूपी टेट लेवल की होंगी वह अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए प्रोवाइड की जाएंगी। 1 जून से हम अनवरत आपकी कक्षाएं यहां से प्रारंभ करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप डेमो के तौर पर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज वहां पड़ी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए आपके जो कॉमेंट्स आ रहे थे उस कॉमेंट पर सबसे पहले हम आपको चर्चा करने का प्रयास करते हैं। देखिए कुछ बातें यहां लिखी गई है। आपका पहला कॉमेंट यहां आ रहा था कि 2022 में यूपी टेट कब आएगा। आप सभी को पता है कि आपका अभी हाल ही में यूपी टेट का रिजल्ट घोषित हुआ है। कुछ लोग उसमें सफल हुए हैं और हम कुछ लोगों की बात करें तो असफल हुए हैं। जो लोग असफल हुए हैं उनको इंतजार है 2022 के यूपी टेट का, और जो लोग जो 2021 के यूपी टेट में सफल हुए हैं उनको इंतजार है सुपर टेट का, बेसब्री से यह स्टेट का, ठीक है, यह स्टेट का इंतजार है। मींस कहा जाए शिक्षक भर्ती का इंतजार है। नीचे लिखा जा रहा है दूसरे नंबर में आप देख पा रहे हैं सी टेट कब तक होगा। जाहिर सी बात है आप सभी को पता है कि यूपी टेट आपका वर्ष भर में एक बार कराया जाता है, और अगर हम वही सी टेट की बात करें तो सी टेट आपका वर्ष भर में 2 बार कराया जाता है, या आप सभी को पता है। नीचे आप देख पा रहे हैं तीसरे नंबर के कॉलम में लिखा गया है कि न्यू शिक्षक भर्ती कब तक आएगी। यह आपका सबसे लेटेस्ट मुद्दा है। जो लोग 2021 के यूपी टेट में अपने आप को क्वालिफाई किए हुए हैं उनके लिए बहुत बेसब्री से इंतजार है सुपर टेट का, ठीक है। नीचे आप देख पा रहे हैं क्या न्यू शिक्षक भर्ती से पहले एक और यूपी टेट होगा या नहीं होगा। यह किसका कॉमेंट आ रहा था, जो लोग यूपी टेट 2021 के एग्जाम में फेल हुए हैं वह लगातार मुझसे यह पूछ रहे हैं कि सर जो यूपी टेट 2022 में होने वाला है क्या वह नई शिक्षक भर्ती से पहले हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इन सभी के मैटर पर मैं चर्चा करते हुए आपको आगे की तरफ ले चलूंगा। और लास्ट में हमने लिखा है कि यूपी टेट और सी टेट में अंतर क्या है। देखिए यह क्वेश्चन वही लोग पूछ रहे हैं जो लोग अभी लेटेस्ट में डीएलएड यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर जो क्रॉस कर रहे हैं, उनको अभी तक नहीं पता है कि यूपी टेट क्या होता है और सी टेट क्या होता है। मींस कहा जाए दोनों में अंतर क्या होता है, इनके बारे में बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट्स मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपके सामने प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए हम एक एक मुद्दे पर आपसे बात करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला चीज यहां लिखा गया है कि 2022 में यूपी टेट कब तक होगा। देखिए अगर इस मुद्दे पर कोई कहता है कि 2022 में जो यूपी टेट है आपका वह जुलाई अगस्त तक लोग बता रहे हैं, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर तक विभिन्न लोगों के मुखार बिंदु से सुना जा रहा है। फिलहाल के लिए इस पर कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं है किसी के पास, लोग सिर्फ सुनी सुनाई बातों को हवा बनाए हुए हैं। यह अपडेट्स सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप पर टहल रही है कि जो भी आपका यूपी टेट होने वाला है वह आपका जून जुलाई तक होगा। लेकिन यह भी मान के चलिए कि वर्ष भर में एक बार होता है, आपके मन में आ रहा होगा कि अभी तो 2022 में जनवरी में यूपी टेट हुआ है। लेकिन मेरे दोस्त एक चीज जानिएगा, जो आपका 2022 में यूपी टेट हुआ है वह सबसे बड़ी चीज है कि वह आपका 2021 का यूपी टेट था, ठीक है, 2021 का यूपी टेट था। इसलिए कुछ कारणवश आप सभी को पता है एक बार पेपर आपका लीक हुआ तो दूसरी बार जो है 2022 में आपका पेपर कराया गया था, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इतना जानिएगा कि 2022 में यूपी टेट होगा, अगस्त सितंबर तक हो सकता है। फिलहाल के लिए आप इतना जानिए कि इस पर कोई लेटेस्ट अपडेट यानी कि ऑथेंटिक न्यूज मेरे पास नहीं है। नीचे यहां आप देख पा रहे हैं सी टेट कब होगा। यह तो प्रबल सत्य है कि सी टेट वर्ष में 2 बार होता है। आप सभी को पता है अभी तक आपका जो भी सी टेट हो रहा था वह ऑफलाइन मोड में हो रहा था, लेकिन अभी हम बात करें जो पिछला सी टेट आपका हुआ है, पिछला सी टेट ऑनलाइन मोड में कराया गया। आपका ऑनलाइन मोड में परीक्षा कराया गया, लगभग संभवतः 1 से 1.5 महीने आपके सी टेट एग्जाम में लगे हैं। यह मान के चलिए जो आपका सी टेट होगा जुलाई वाला सी टेट,
दो बार होता है, एक सीटेट तो हो चुका है 2022 में, और आपका जो जुलाई का सीटेट है वह मान के चलिए कि अगस्त से सितंबर तक 100% करा लिया जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार का शक नहीं है। 100% मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो आपका सीटेट है वह अगस्त से सितंबर तक बिल्कुल करा लिया जाएगा। लेकिन एक चीज जानिएगा, अगर आपका यूपीटेट अगस्त सितंबर तक नहीं होता है तो आप अपनी तैयारी उस हिसाब से करिएगा कि जिससे आप सीटेट को क्वालिफाई कर जाएं, क्योंकि आप यह जानिएगा, सबसे हम लास्ट में आते हैं, अभी इन दोनों मुद्दे को छोड़िए, अगर सीटेट की बात आ गई तो पहले यहां समझिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें यूपीटेट और सीटेट में अंतर, तो देखिए यूपीटेट जो होता है, यूपीटेट आपका एक होता है प्राइमरी लेवल का और दूसरा होता है अपर प्राइमरी, मींस प्राइमरी और जूनियर का, एक दो प्रकार के टेट होते हैं। या अगर आप प्राइमरी लेवल का टेट पास करते हैं तो आप सुपर टेट के प्राइमरी लेवल की वैकेंसी में आप बैठ सकते हैं। लेकिन अगर वही हम बात करें, अगर आप जो है जूनियर लेवल का यूपीटेट पास करते हैं तो आप जूनियर के टीचर बन सकते हैं। वही क्रिया सीटेट में दोहराई जाती है, आप अगर सीटेट प्राइमरी लेवल का पास करते हैं तो सीट जो है तब भी वही काम होता है, और जूनियर लेवल का पास करते हैं तब भी वही काम होता है। आपको एक एग्जाम पास करना अनिवार्य है। अगर आप एक एग्जाम, चाहे आप यूपीटेट पास करें चाहे सीटेट पास करें, दोनों में से किसी एक को पास करके आप सुपर टेट की परीक्षा में बैठ सकते हैं। यही फर्क दोनों में है, बस थोड़ा सा अंतर यह है कि यहां जो यूपीटेट है, अगर आप यूपीटेट पास करते हैं तो सिर्फ यूपी के लिए एलिजिबल माने जाते हैं, लेकिन अगर आप सीटेट पास करते हैं तो पूरे ऑल इंडिया में किसी भी राज्य में आप जो है सुपर टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यह भी फर्क आपके लिए माना जाता है। ठीक है, इसलिए बेहतर आपके लिए होगा अगर आपने यूपीटेट पास कर लिया है तो ठीक है, अगर आपने यूपीटेट में किसी कारणवश असफल रहे हों तो प्लीज आप सीटेट की तैयारी में लग जाइएगा। 100% यह दावा है कि सीटेट वर्ष में दो बार होता है और अगस्त से सितंबर तक पूरे गारंटी के साथ आपका सीटेट दोबारा कराया जाएगा। और हाँ, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, कुछ लोगों को समस्या इस बात की बनी हुई है कि सीटेट जो हुआ था आपकी बार वह ऑनलाइन मोड में हुआ था, किसी को कंप्यूटर की जानकारी थी किसी को नहीं थी, उस अभाव में सीटेट को वह नहीं क्रैक कर पाए। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो आप कंप्यूटर पर थोड़ा सा माउस वगैरह को देख लीजिएगा, नहीं तो हाथ जाता है यहाँ तो कहीं आपका माउस पहुँचता है तीर इधर चली जाती है। ठीक है, तो आप उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। नीचे आता है न्यू शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, आपने इसे देखा सीटेट और टेट कब तक आने की संभावना है, आप इन सभी के बारे में देख लिए। सवाल आता है कि न्यू शिक्षक भर्ती कब तक आएगी। देखिए, अगर हम न्यू शिक्षक भर्ती की बात करें तो जाहिर सी बात है कि अब जब आपका 2021 का यूपीटेट का रिजल्ट घोषित हुआ तब से यह तूल पकड़ा हुआ है कि नई शिक्षक भर्ती सरकार जल्द से जारी करे। लोग विभिन्न स्तर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं कहीं यह भी हो रहा है कि अभी आपने देखा था कि माननीय शिक्षा मंत्री जी का एक बयान आया हुआ था कि हमारे पास जितने शिक्षक हैं या सॉरी जितने बच्चे हैं उनके अनुपात में हमारे पास टीचर मौजूद हैं, इसलिए अभी न्यू शिक्षक भर्ती की कोई संभावना नहीं है। लेकिन एक चीज जानिएगा कि हर वर्ष संभवतः जो है 10 से 12 हज़ार शिक्षक रिटायर होते हैं, तो इन सभी को देखते हुए यह उम्मीद लगाई जा रही है कि जो भी वैकेंसीज आगे आएंगी वह 51 हज़ार के समथिंग आएंगी। लेकिन यह मत मान के चलिएगा, मैं यह नहीं कहता हूं कि मेरे बात पर आप विश्वास करें, या देखिए बात की बात है कि जब नोटिफिकेशन जारी होगा तभी यह कोई क्लियर कर सकता है कि 51 हज़ार आएगी या 97 हज़ार आएगी, कितनी आएगी। लेकिन आप यह मान के चलिएगा कि वैकेंसी आज नहीं तो कल यह सत्य है आएगी। ठीक है, आप उस हिसाब से अपनी तैयारी को जारी रखिएगा क्योंकि वैकेंसी आज नहीं तो कल आएगी जरूर, यह भी सत्य है। और जो आपका यूपीटेट है वह भी आज नहीं तो कल होगा, इसमें भी किसी भी प्रकार का शक नहीं है। आप उसी के हिसाब से दोनों को अगर एक साथ लेके चलते हैं तो वह आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होगा। हाँ, अगर आपने सिर्फ अभी देखा कि अभी तो हम यूपीटेट पास नहीं हैं तो हम कहें कि सुपर टेट पढ़ें, तो यह आपकी गलत फहमी है। आप दोनों को जब टारगेट बना के चलेंगे तब आपका जो सीटेट है, सीटेट में 17 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, सीटेट इतना आसान नहीं है। हाँ, लेकिन मैं इतना दावा जरूर करता हूं कि अगर आपने यूपीटेट को ईमानदारी से पढ़ा है तो यहां गारंटी है कि आपका जो सुपर टेट है वह निकल जाएगा। बस सुपर टेट में थोड़ी सी समस्या कहां होती है, जो आपका करंट होता है, जैसे उसका नाम करंट है उसी हिसाब से करंट पूछा भी जाता है। अगर आप प्रीवियस तीन से चार सालों का करंट पढ़ लेते हैं तो यह मान के चलिएगा कि 100% आप क्रॉस कर जाएंगे सुपर टेट को। ठीक है, आपने इसे देखा, क्या न्यू शिक्षक भर्ती से पहले यूपीटेट होगा या नहीं होगा,
यह मान के चलिए कि उम्मीद यही है कि नई शिक्षक भर्ती से पहले एक और यूपी टेट होगा जरूर से, ठीक है। आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। हमने यहाँ लिखा है कि यूपी टीटी यूपी पुलिस की कक्षाएं 1 जून से प्रारंभ की जाएंगी मेरे चैनल के माध्यम से। अगर आप, मैं फिर से कहूँगा कि अगर आप डेमो के तौर पर वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद आप कॉमेंट के माध्यम से मुझे यह बताइएगा कि किस सब्जेक्ट से आपको लेकर चला जाए, ठीक है। आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। किसी भी कंफ्यूजन के लिए आप कमेंट कीजिएगा प्लीज। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।